चाइना डिजिटल जासूसी कर रहा है, ऐसे में डेटा सुरक्षित रखना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और सबसे बड़ी बात कि चुनौतीपूर्ण कितना है। सर, चाइना की जैसे हम बात करते हैं, चाइना जो है हमारे देश का 20 लाख से ऊपर का डेटाबेस चुरा चुका है अब तक। जो हम लोग आगे चलकर ऐप्स यूज करते थे, टिकटॉक हो गया, जब कोई भी चाइनीज ऐप, उनके थ्रू हम लोगों का पूरा ईमेल आईडी और पूरे के पूरे पासवर्ड, सारी चीजें चाइना तक पहुंच चुकी हैं। तो हमारी जो सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो हम बिल्कुल भी सिक्योर इस टाइम नहीं है, क्योंकि तो चाइना के पास ऑलरेडी हमारा पूरा डेटा पहुंच चुका है। तो चाइना हमें फिशिंग अटैक के थ्रू या किसी और अटैक के थ्रू हम पे हमला बोल के एक साइबर अटैक करना चाहता है। हाल फिलहाल में ये खबरें सुनी जा रही हैं डार्क वेब पे, जाके हो ऐसे में डेटा को कितना खतरा है, हमारे देश के डेटा को कितना खतरा है? सर, हमारे देश का जो डेटा है टोटल अनसिक्योर इस टाइम हो गया चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इस टाइम जिस माहौल पे जिस भी स्टेज पे खड़े हैं, वहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारा डेटा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सारी की सारी ऐप्स शेयर हो चुकी हैं और इधर ऐप्स के थ्रू हमारी ईमेल आईडीज जा चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे प्राइवेट लोग सब इस टाइम डेंजर के अंदर चल रहे हैं, और उस डेंजर के अंदर हम लोग किस पीड़ा पे खड़े हैं हम ही नहीं जानते हैं। अच्छा अमित जी, आमतौर पे आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने डेटा को मेंटेन करके चलें, कि साइबर स्पेस में जब वो रहें तो उनको ज्यादा थ्रेट या खतरा ना हो? हाँ जी सर, सर इसके लिए मैंने यह कहना चाहूँगा, इधर अनजाने में जो मेल आपको आता है उसके अंदर कोई भी अटैचमेंट आती है, उस मेल की अटैचमेंट को ना खोलें आप। उस मेल की अटैचमेंट पे कोई भी अगर लिंक आया हो तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि वो उसका यूआरएल प्रॉपर देखें कि वो सही है जनक गलत है। क्योंकि आप अपने ब्राउजर पे कोई भी मेल को अगर खोलते हैं, अगर उसका यूआरएल कोई ऐसा होता है तो हम हो सकता है एक साइबर इधर अपराध का शिकार हो जाए। अपने मेल को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए और अपने यूजर्स को भी कहिए कि वो भी जो मेल भेजते हैं, जब मेल लेते हैं, इधर इनक्रिप्टेड मेल भेजें और लें। और कोई भी अगर मेल को आप खोलते समय सतर्कता बरतें, भले ही आप जानते हो कि वो आपका नोन है, लेकिन फिर भी देख के मेल को खोलें। और जिस मेल पे भी आपको डाउट हो तो उस मेल को उसी टाइम डिलीट कर दीजिए, या फिर उसका जो भी मेल एड्रेस है उसका पता है उसको ब्लॉक कर दीजिए। फिशिंग के लिए आजकल नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड ये वो, तो स्पेलिंग बेसिकली स्पेलिंग को ना लेके फिशिंग अटैक ज़्यादा इधर होते हैं इस टाइम। तो कोई भी अगर आपको इस टाइप का मेल भेजता है कोरोना वायरस से संबंधित ज़्यादा कुछ, तो आप उस चीज़ से फ्री, एकदम टेंशन फ्री रहिए और उस चीज़ को देख के चलिए, ताकि ऐसा ना हो कुछ कि आप उस चीज़ के शिकार हो जाए। क्योंकि आजकल क्या ना होता है, फ्री COVID-19 टेस्टिंग करके आपको मेल दिया जाता है और उस मेल के जरिए आप हैक हो सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर जो हैकिंग है, अभी हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो भी हैक हो गई थी। ऐसे में जो आम लोग हैं उन वो हैकिंग से अपने को कैसे बचाएं, अगर आप कुछ सावधानियां रखने को बता सकें? सर, हमारे यहाँ पे एक सर्ट होती है, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो ये हमारे इंडिया की है सर्ट इन, तो हर देश की अपनी एक सर्ट है। तो सर्ट क्या करती है, इधर मेन मेन एडवाइजरी लॉन्च करती है अपनी, और जितने लूप होल्स, वल्नरबिलिटीज, जितनी कमियाँ होती हैं सारी की सारी इन पे डाली जाती है। तो इन कमियों के द्वारा हमें पता चलता है कि इस चीज़ के अंदर हमारे प्रॉब्लम है और हम लोग इससे हैक हो सकते हैं। तो सर्ट ने हाल फिलहाल ही इंडिया के लिए एक एडवाइजरी लॉन्च करी है कि ना 21 जून को भारत के जितनी भी हमारी ऐप्स बंद हुई थी उनको टारगेट में लेते हुए फिशिंग अटैक को चाइना ने एक वॉर टाइप, साइबर वॉर टाइप लॉन्च करने जा रहा है। तो हमारे इंडिया के ऊपर एक साइबर वॉर करना चाहता है। तो हमें उससे सेफ रहने के लिए किया है कि सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें या किसी भी चीज़ पे ऐसे क्लिक ना करें, ताकि सीधा का सीधा हमारा डाटा जाके सीधा ट्रांसफर हो जाए। और इसी प्रकार से इसके अंदर अगर आप डार्क वेब पे जाके देखते हैं तो 20 लाख से ऊपर के लोगों का मेल आईडी शेयर हो रहा है, जो कि पूरा का पूरा चाइना के पास जा चुका है, और कैमरा, आपके मोबाइल फोन का सारा डाटा ऑलरेडी चाइना ले चुका है। तो इन चीजों को लेते हुए हम लोग उस सेफ पॉइंट पे नहीं खड़े जहाँ पे हमें सेफ होना चाहिए था। तो आपने देखा कि किस तरह से अमित जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई, और साफ तौर पर यह बताया कि किस तरह से हमें अपने डेटास को सुरक्षित रखना है। अमित जी, आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आंकड़े ये भी थैंक यू कहते सो हैं मच। कि जो
साइबर क्राइम है वो दिल्ली एनसीआर में खासकर बढ़ा है, पहले के मुकाबले डबल हो गया है। कोरोना काल की बात करें तो दिल्ली, गुड़गांव समेत गाजियाबाद की अगर आप उदाहरण ले लीजिए तो वहां पर जो साइबर के फ्रॉड के मामले हैं वो लगातार बढ़े हुए हैं। ऐसे में जो डिजिटल जासूसी है और वो हैकिंग तक जा पहुंची है, ऐसे में अपने डेटा को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे आमतौर पर हम अगर बचा सकते हैं तो हमें सावधानी ही रखनी होगी जिसके जरिए हम अपने डेटा को बचा सकते हैं।